नमस्कार, जेजेएन में आप सभी का स्वागत है। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आए दिन पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस सिलेंडर के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इस बढ़ती महंगाई का असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। उत्तराखंड में भी आम आदमी बढ़ती महंगाई से काफी परेशान हो चुका है, जिसके चलते आज हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उनका कहना था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार महंगाई को कम करने में पूरी तरह से असफल रही है और हर दिन बढ़ती महंगाई से आम आदमी की जिंदगी में भी काफी तनाव आ रहा है। प्रदर्शनकर्ताओं की मांग है कि जब तक गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम में काबू नहीं आ जाता, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में महानगर अध्यक्ष राहुल छिम्बाल, कांग्रेस नेत्री शोभा बिष्ट, कांग्रेस महासचिव महेश शर्मा, हुकुम सिंह कुंवर, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गजेंद्र गौनिया, हेमंत शाहू समेत दर्जनों कांग्रेसी भी मौजूद रहे। देखिए, डीजल पेट्रोल के दाम, गैस के दाम पूरी तरीके से जिस तरीके से मतलब लगातार इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, उससे एक आम जनमानस का जिसे कहते हैं जीना मतलब बहुत मुहाल हो गया है और एक आम जनता त्राहिमाम कर रही है। और आज कांग्रेस के पूरे राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन के तहत आज हम लोगों ने हल्द्वानी महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो बढ़ी हुई गैस की कीमतें हैं और जो हमारी तेल की कीमतें हैं और जो जितनी भी आपकी खाद्य सामग्रियाँ हैं उनको तत्काल जनहित में वापस लेना चाहिए और अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन जो प्रदर्शन करती रहेगी। आज हमारे राष्ट्रीय स्तर से जो यहाँ उत्तराखंड में भी चल रहा है, ये महंगाई के मारे इतनी महिलाएं क्या, हम लोग सब लोग परेशान हैं। गैस के दाम बढ़ गए, राशन पानी तेल पेट्रोल डीजल हर चीज़ की इतनी महंगाई बढ़ गई, लोग त्रस्त हैं और इतने परेशान हैं कि गैस आग गैस देख लीजिए अब 13 तक पहुंच जाता है, 1300 और बढ़ गया है। लोग इतने परेशान हैं, क्या करें बताइए। और राशन कह रहे हैं हमने राशन बांट दिया, राशन बांटने से क्या है, किसे बनाएंगे खाना। ये थी सीधी रिपोर्ट प्रदर्शनकारियों की महंगाई को लेकर। आपका महंगाई को लेकर के क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।